एवरीवन, हम कह रहे थे ओरल कैविटी की जो लीजेंस हैं, हमने गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पैथोलॉजी स्टार्ट की थी और उसमें मैंने आपको एफथस अल्सर्स बताए बहुत डिटेल में. अब हम अगली दोनों कंडीशन करेंगे जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ ओरल कैविटी में आती हैं, विच इज हर्पीस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन. ठीक है, तो एक वायरस है और एक फंगस है. ये बहुत सिंपल है, आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, जस्ट विल हैव अ क्विक रिविजन कि हमने क्या पढ़ा था. हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, आपको पता है कि इट इज़ अ वायरस जो हर्पीस कॉज करता है और इसमें वेसिकल्स अपेयर होते हैं, वेसिकल्स जो फ्लूइड फिल्ड होते हैं, बाद में वो रप्चर हो जाते हैं. रप्चर उस तरह नहीं होते, थोड़ी सी क्रस्टिंग होती है, लेकिन मेनली इसके हर्पीस से एसोसिएटेड वेसिकल्स होते हैं. तो हर्पीस सिंप्लेक्स क्या करते हैं कि एक दफ़ा बॉडी में एंटर हो जाता है तो पहले ही प्राइमरी इन्फेक्शन करेगा. इसकी दो टाइप्स होती हैं, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 एंड टाइप 2. जो टाइप 1 है वो मेनली आपकी ही ओरल एंड फेशियल एरिया को इन्वॉल्व करती है और टाइप 2 मेनली जेनिटल एरिया को इन्वॉल्व करती है. ठीक है, अगर आपका सिवाय इसके के कोई आपने सेक्सुअल प्रैक्टिस ऐसी ना की हो जिसमें ओरल कैविटीज इन टच विद द जेनिटल एरिया जहाँ पर हर्पीस इन्फेक्शन था, तो तभी आपका टाइप 2 ओरल एरिया में आ सकता है. अदरवाइज हमेशा टाइप 2 जेनिटल एरिया में अकर होता है और टाइप 1 जो है वो ओरल एरिया में हर्पीस सिंप्लेक्स करते हैं. तो मोस्ट कॉमन इज टाइप 1. ठीक है, कॉज के इसका हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है हमारे पास और ये बच्चों में बहुत कॉमनली होता है. ठीक है, 2 से 4 साल के बच्चों में ये पहली बार प्राइमरी इन्फेक्शन के तौर पे हो जाता है अक्सर, और उसके बाद ये एक दफ़ा बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये बॉडी से निकलता नहीं है, बल्कि एक दफ़ा इसके वो छोटे से दाने बनते हैं. हम कोई भी वो जो एंटीवायरल ड्रग्स की अगर ज़रूरत हो तो देते हैं, वरना वो एक अपना टाइम कोर्स पूरा करके 10 एक दिन का होता है, 10-12 दिन का, वो खुद ही ठीक हो जाते हैं. फिर ये वायरस जाके हमारी नर्व्स में, गैंग्लिया में सेटल कर जाता है. ठीक है, उसके बाद फिर ये जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें इसको दोबारा से अपेयर होने का चांस मिलता है तो फिर ये रीअपेयर होता है, और रीअपेयर अक्सर इसी तरह से माउथ सोर्स और इस किस्म का होता है. आपने देखा होगा अक्सर बुखार के बाद आपको जो आपके लिप्स हैं उसके साइड्स पे यहाँ पर छोटे छोटे दाने 3-4 निकल आते हैं, जो वेसिकल्स होते हैं, जो आम दाने भी नहीं होते. तो वो इसी तरह होते हैं, जिन लोगों की बॉडी में हर्पीस वायरस होता है ना, फीवर उसके लिए दोबारा से अपेयर होने की एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है, क्योंकि फीवर में बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, तो उसे दोबारा अपेयर होने का चांस मिल जाता है. तो वो गैंग्लिया से निकल के आता है और माउथ में ही अल्सर्स बना देता है, माउथ के मतलब लिप्स के कॉर्नर पे, लेबियो ऑरिफिस जंक्शन पे. तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज द रिकरेंस ऑफ हर्पीस लेबियालिस इन्फेक्शन, और इसी को हम कोल्ड सोर्स भी कहते हैं. ठीक है, कोल्ड सोर्स इसका दूसरा नाम है, याद रखना, एमसीक्यूज में इस नाम से अक्सर आ जाता होता है. तो इसकी अक्रेंस बच्चों में प्राइमरी इन्फेक्शन है, एडल्ट्स में सेकेंडरी इन्फेक्शन. सेकेंडरी से मुराद है कि पहले का जो हुआ हुआ इन्फेक्शन था वो रीकर होता है. रीकर क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें दोबारा हो सकता है. हमने पढ़ा था कि आपकी एक्सट्रीम स्ट्रेस की कंडीशन में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हुआ है कोई बंदा, उसकी इम्यूनिटी लो हुई है, फीवर है, अल्ट्रावायलेट रेज की वो है, उससे एक्सपोज हुआ है. तो इस तरह की कोई भी कंडीशन जो बेसिकली आपकी बॉडी को किसी ना किसी प्रॉब्लम में डाल रही है, उसमें हर्पीस दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, पैथोलॉजी क्या होती है, ये आपकी बॉडी में उस आपका जो, क्योंकि हम इस वक्त ओरोफेशियल हर्पीस की बात कर रहे हैं, तो ओरल कैविटी में जाके ये बाकायदा छोटे छोटे से वेसिकल्स बनाते हैं, और वो वेसिकल्स जो हैं वो कुछ हद तक पेनफुल भी होते हैं. अगर ज़्यादा होंगे, पूरी ओरल कैविटी इन्वॉल्व होगी तो दर्द होगा. ये जो माउथ के कॉर्नर पर होते हैं ये बहुत ज़्यादा पेन नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं, 10 एक दिन में ठीक हो जाते हैं. इसके लिए हमें ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. एरिया ज़्यादातर जो इन्वॉल्व है वो यही वाला ओरोफेशियल एरिया होगा, और अगर मुंह के अंदर हम बात करें तो बक्कल म्यूकोजा, हार्ड पैलेट और जो आपका फ्लोर ऑफ माउथ है, ये काफ़ी कॉमनली इन्वॉल्व एरियाज हैं. इसके लिए हमें ट्रीटमेंट की आमतौर पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा है तो फिर हम देते हैं, और अगर पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कोई एड्स का पेशेंट है, तब हम उसे एंटीवायरल ए साइक्लोवीर देते हैं. इसके लिए बेस्ट जो एंटीवायरल है वो ए साइक्लोवीर है, और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, पैन साइक्लोवीर, गैन साइक्लोवीर, लेकिन जिनके एंड में वीर आता है ना, ऑलमोस्ट नहीं सॉरी वीर तो सारी एंटीवायरल्स के एंड में आता है. तो ए साइक्लोवीर जो है ना वो हर्पीस के लिए हमें देनी होती है, लेकिन हर बंदे को नहीं देनी होती, मोस्टली में खुद ही ठीक हो जाते हैं. अच्छा, देन हमारे पास है जो अगली चीज़, वो है कैंडिडियासिस. कैंडिडियासिस आपको पता है कि फंगस है हमारे पास, जो कैंडिडा एल्बिकन्स, वो हमारी ओरल कैविटी का नॉर्मल फ्लोरा बनाती है, उसमें नॉर्मली प्रेजेंट होती है. ठीक है, कैंडिडा एल्बिकन्स. और जब कभी इसको भी मौका मिलता है किसी बंदे की इम्यूनिटी लो हो जाए, या फिर अगर कोई उसको ऐसा मतलब कोई प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन मिल जाए जिसमें सपोज़ ये कि पेशेंट ने कोई एंटीबायोटिक खाई थी, तो एंटीबायोटिक्स जो है ना वो भी इसको एकदम से एक्टिवेट कर देती है कैंडिडा एल्बिकन्स को, तो उसको मुंह में ओरल कैंडिडल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम ओरल थ्रश भी कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है. तो किन लोगों में होगा, मैंने आपको बता दिया कि जिसकी इम्यूनिटी या लो होगी या फिर उसने कोई एंटीबायोटिक खाई होगी. एंटीबायोटिक भी इम्यूनिटी लो होने की निशानी होती है.
और या फिर कोई कैंडिडा का स्ट्रेन कभी कभार ऐसा आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, तो कैंडिडा एल्बिकन्स हो जाएगा इन्फेक्शन। इसको हमने नॉर्मली ये पढ़ा था कि ओरल थ्रश में वाइट कलर के प्लेक्स बन जाते हैं ओरल कैविटी में, जिनको हम जब उखाड़ते हैं तो नीचे से एरिथेमेटस म्यूकोजा रिवील होता है। ठीक है, याद रखना है, जब हमने पढ़ा था डिफ्थेरिया तो हमने कहा था डिफ्थेरिया की मेम्ब्रेन जो बनती है उसको उखाड़ेंगे तो नीचे से ब्लीड होगा। ये जब उखाड़ेंगे ओरल थ्रश का जो प्लेक बनता है, वाइट प्लेक बनते हैं ओरल कैविटी में, उसको जब हम उखाड़ते हैं तो नीचे से रेड कलर का यानी एरिथेमेटस म्यूकोजा रिवील होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसकी अपेयरेंस के हिसाब से तीन टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली टाइप है हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि वाइट प्लेक्स बनते हैं, दैट इज सूडो मेम्ब्रेनस टाइप। और फिर हमारे पास इसकी एक एरिथमेटस टाइप होती है जिसमें प्लेक्स नहीं बनते लेकिन मुंह आपका सारा का सारे ओरल कैविटी बहुत ज़्यादा रेड एंड एरिथमेटस हो जाती है। और तीसरी टाइप है हाइपरप्लास्टिक, जो अनकॉमन टाइप्स हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन यही दो हैं। और मैंने आपको बता दी कि पैथोलॉजी में क्या हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है फंगस का जिसकी वजह से प्लेक्स बन रहे हैं एंड ऑल दैट। इसको स्टेन करते हैं हम, आपको पता है फंगस फंगस के लिए स्पेशल स्टेन्स की जरूरत होती है, तो पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन PAS स्टेन से हम स्टेन करते हैं जब, तो हमें बकायदा माइक्रोस्कोप पे हाइफी नज़र आती है, फंगल हाइफी नहीं होती, वो जो ब्रांचिंग पैटर्न्स ऑफ हाइफी एंड ऑल दैट वो मिल जाती हैं, विच इज़ करेक्टरिस्टिक के ये फंगल इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी फंगल ड्रग्स दे देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे सकते हैं, और एजोल ग्रुप की जो ड्रग्स हैं कीटोकोनाजोल वगैरह वो भी बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक बात खत्म होगी, अब हम बात करेंगे जो नियोप्लास्टिक एंड प्रोलिफरेटिव लीजन्स है जी। तो अगली बात जो हमने करनी है वो है फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन्स, जिसमें हमने दो बातें पढ़नी है, फाइब्रोमास एंड पायोजेनिक ग्रैनुलोमास। रिमेंबर, ये दोनों की दोनों अब नियोप्लास्टिक नहीं है, ये कैंसरस नहीं है, दीज आर जस्ट प्रोलिफरेटिव टाइप ऑफ कंडीशंस। ठीक है, इसमें कोई कैंसरस एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये है फाइब्रोमा। फाइब्रोमा नाम से ओमा का जो इसमें सफिक्स है वो अक्सर हमारे कैंसर्स के एंड में होता है, मतलब जो कैंसरस चीज़ें होती हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ कैंसर टाइप ऑफ थिंग बेसिकली। ये सिंपली ये है कि आपको पता है किसी भी जगह पे जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से हमेशा एक लफ्ज़ आपने अपने जहन में रखना है, फाइब्रोसिस का। ठीक है, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब भी होती है तो वहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन वो जगह कभी कंप्लीट हील हो नहीं पाती, ठीक हो नहीं पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर डैमेज रह रहा होता है। ठीक है, तो वो जो जगह हील हो रही होती है वहाँ पर आकर आपके फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं और वो जगह का फंक्शन लॉस हो जाता है और उस जगह फाइब्रोसिस हो जाता है। तो अगर आपकी ओरल कैविटी में कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, किसी भी किस्म की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मतलब उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन उधर फाइब्रोसिस का, मतलब अगर सपोज ये कि मेरा पूरा पूरी ओरल कैविटी है ये जिसमें एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही है, तो जगह जगह पर कहीं यहाँ हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ हीलिंग मतलब जगह जगह हीलिंग के प्रोसेस चल रहे होते हैं, कहीं इन्फ्लेमेशन एक्टिव होती है, इस तरह की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसमें अगर हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ पर फिर फाइब्रोसिस डेवलप हो रहा होता है, तो वो जो फाइब्रोसिस होता है ना वो छोटा सा उभरा हुआ नोड्यूल बना देता है उस जगह पे, विच इज़ कॉल्ड अ फाइब्रोमा। ठीक है, तो फाइब्रोमा सिंपली ये है कि इट इज़ अ नोड्यूल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और इसको हमने सर्जिकली रिमूव कर देना होता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब ट्रीट हो जाएगी तो ये फाइब्रोमास वैसे भी, मतलब जाहिर सी बात है फाइब्रोमास को तो रिमूव करना पड़ेगा और फिर दोबारा नहीं बनेंगे। पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, ये जो चीज़ है ना इसको नाम से देखने में लगता है, पायोजेनिक का मतलब होता है कोई भी पस प्रोड्यूसिंग चीज़, और ग्रैनुलोमा जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है, मैक्रोफेजेस और वो सब कुछ, जो एक जिस तरह हमने टीबी ट्यूबरकुलोसिस का ग्रैनुलोमा पढ़ा था ना, केजिएटिक नेक्रोसिस हो रही है सब कुछ, तो याद रखना कि दिस कंडीशन इज़ अ मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जिनका नाम से हमें कुछ और लग रहा होता है लेकिन एक्चुअली में वो ये चीज़ें नहीं होती। तो दिस ना ये पस प्रोड्यूसिंग चीज़ है, ना तो ये कोई खास किस्म का बहुत बड़ा सा कोई ग्रैनुलोमा होता है। ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट अ मिसनोमर, इसके नाम पर बिल्कुल भी नहीं आपने जाना, हर चीज़ ऑलमोस्ट आप नाम से गेस करते हैं, इसको नहीं करना। ये बेसिकली आपका अ टाइप ऑफ कैपिलरी हेमेंजियोमा है। ठीक है, ये याद रखना है, मीडियम रॉबिन्स में हमने कैपिलरी हेमेंजियोमा का वर्ड पता नहीं यूज़ किया है, नहीं किया मुझे सही नहीं याद, लेकिन अगर नहीं किया तो आपने कर लेना है, क्योंकि कैपिलरी हेमेंजियोमा में क्या होता है कि कैपिलरीज जो है ना वो थोड़ी सी स्वेल हो जाती है और उनमें फ्लूइड ब्लड ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है। वैसे तो आपको कैपिलरीज नज़र नहीं आती, लेकिन जब कैपिलरीज में किसी जगह पर स्वेलिंग हो जाएगी, उनका डायमीटर बड़ा हो जाएगा और एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाती है, तो वो आपको स्किन पे रेड या पर्पल कलर की अपेयरेंस में नज़र आती है। ठीक है, बच्चों में तो अक्सर कैपिलरी हेमेंजियोमास इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनके मुँह पर इतने बड़े बड़े पर्पल कलर के स्किन पे पैचेस होते हैं, वो स्किन की बात कर रहे हैं।
यही तरह का, अगर इसी तरह का एक कैपिलरी हेमेंजियोमा हो जिसमें कैपिलरी में आपकी स्वेलिंग है और वहाँ पर फ्लूड की ब्लड की एक्स्ट्रा कलेक्शन है, तो वो आपकी ओरल कैविटी के अगर अंदर है तो म्यूकोजा पे पर्पलिश या रेडिश सी कलर की आपको ऐसे करके बकायदा मतलब स्वेलिंग या नोड्यूल्स हमें बना हुआ मिलेगा, पर्पलिश से कलर का होगा, दैट इज कॉल्ड एज पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। वो क्यों बनता है? इन्फ्लेमेटरी ही कंडीशन है ये बेसिकली, इट रिजल्ट्स फ्रॉम इन्फ्लेमेशन, और बहुत ज़्यादा होता है ये बच्चों में और यंग जो लोग होते हैं उनमें अक्सर उकात हो जाते हैं, और वेसल्स में ही होता है, ठीक है। इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये मेलिग्नेंसी में चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये खुद मेलिग्नेंट नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। इट इज़ अ बिनाइन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम लाइंड कंडीशन, ठीक है, ये बात याद रखना, लिख लेना अपने पास कि इट इज़ बिनाइन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम लाइंड कंडीशन, विच इज अ टाइप ऑफ कैपिलरी हेमेंजियोमा जिसमें खुद कोई मेलिग्नेंसी नहीं है लेकिन मेलिग्नेंसी में डेवलप हो सकता है, ठीक है। जब आप इसको अगर हिस्टोलॉजिकल पिक्चर इसकी देखते हैं तो आपको छोटी छोटी सी वेसल की वॉल में प्रोलिफरेशन मिलती हैं और साथ थोड़ा सा ग्रेनुलेशन टिश्यू का डिपोजिशन मिलती है, ठीक है। ग्रेनुलेशन टिश्यू से मुराद ये है कि क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई है और इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स आ गए थे और वहाँ पर सेल इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस सारा पड़ा हुआ है, एडिमेटस फ्लूइड पड़ा हुआ है, उसकी वजह से जो सारा का सारा एरिया होता है उसको ग्रेनुलेशन टिश्यू कहते हैं हम, तो वो आपको वेसल्स की वॉल में मिलता है, लेकिन इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स, ये मतलब जो इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स जो आपकी ओरल कैविटी में अपेयर हो रही है, दैट इज पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये आपका कोई पस प्रोड्यूसिंग स्टेट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली ये खुद ही रिग्रेस कर जाती है, रिग्रेस ना करें तो फाइब्रोमा भी बन सकता है, मतलब यही चीज़ अगर सॉलिड हो जाए, अभी तो वेसल में है ना, इसी में फाइब्रस की डेवलपमेंट हो जाती है तो सॉलिड हो जाती है, और अगर सॉलिड हो जाए तो फिर हमें इसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, दैट्स इट। इतनी सी बात इसके बारे में, बाकी हम अगले पार्ट में करते हैं जी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी, थैंक यू।